हमारे लल्लन के बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अरे बचपन से हमारे गोदी में खेला है। और जब बालन और झुमरी दोनों किसी भी सिलसिले से बाहर जाते थे तो हमारे पास ही छोड़ के जाते थे। पक्का ना? ये हाँ पक्का। ये कहाँ है आपको पता है? ये हाँ यही है, यही है। कहाँ पर? तो बताइए। अरे वो हमारा विष्णु लाला बाहुबली। आज हम हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं, पर रुका हुआ घर से निकलते वक्त हम हमार माई का आशीर्वाद ले नहीं पाए, लेकिन किशन भगवान ने हमार सुन ली। आप ही हमका हमार माई बनकर आशीर्वाद दे दीजिए। अर्चना जी देखिए आगे मत बढ़ जाए। वो अर्चना देशमुख हमारी तरफ ही आ रही है। एक तो काम करते हैं बाजू अजाबत, दोनों भी अगर कुछ किया ना दाद देंगे शादी का। यहाँ आ जाए, आ जाइए। यहीं आ रही है, हमें गिरफ्तार करवा के रहेगी। हम देखा था आबादे आबादी। की कोशिश किया तो उड़ा देंगे ये काम। अर्चना वही खड़ा रहे। ए देशमुख का समझता तू कि तू हमारे साथ चलाकी करेगा और छोड़ देगा हम तेरे को? तू देख दिखावा दम चीज का है। बंदूक मार, नीचे कर, नीचे कर। ए दस ससुरे, हम तब तक एका नीचे नहीं करेंगे जब तक हम सुरक्षित नहीं हो जाते। ससुरे तुम लोग हमको हजार बार पकड़े हो लेकिन हर बार बच के निकले, आज भी निकल जाएंगे, लेकिन ये अर्चना देशमुख को नहीं छोड़ेंगे हम आज। ए कोना मिलने की कोशिश नहीं करेगा समझे? नहीं तो मार देंगे एका हम। श्री अर्चना देशमुख जब देखो हमारी पीछे पड़ी है, तुमने नहीं आवत है। ए ए का हाथ लगा बताया मेरे को, दूर अपना हाथ, कोने भी आए बीच में तो मार देंगे। तो हम बेटा क्या? बेटा बेटा कौन बेटा कह रहे? ससुरी पहले हमको मारने का प्लान बना रहे, फिर बेका का बा हमरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर, यहीं ठोक डाल रहे हम तेरे को। मेरी बात सुन, आज तक मैंने तुझे कुछ भी करने से कभी नहीं रोका, लेकिन भगवान के लिए आज मेरी बात सुन ले, ऐसा मत कर विष्णु।
अभी तेरे जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है बिस्तु, ऐसा मत कर, भगवान के लिए छोड़ दे। नहीं माई, तू नहीं रोकेगी आदम को। ले पांच नगर यहाँ से नहीं गए तो तू गई, समझी? चल मेरे साथ, चल। हे विष्णुआ, हम तुम पर गोली नहीं चलाएंगे, कोई नहीं गोली चलाएगा। तू बंदूक वहां नीचे कर, अर्चना जी को छोड़, ये देख, ये देख। ए पागल समझेगा हमको? ये तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम साले कायर लोग, मालूम नहीं कितना फौज लेके आए हो अपना। हमरे को कोनो भी गोली मार सकता है, समझे कि नहीं? ए लाला, ए पुलिस की बात पे विश्वास मत करना। ये सब गिरफ्तार करने के लिए आए हैं तो का? भाग, भाग जा यहां से, भाग जा। ए आप क्या कह रहे हैं? नहीं बिस्तु, बिस्तु मेरी बात मान, मत बिस्तु, भगवान के लिए तो मत कर। इंस्पेक्टर अपना लोगन से कह चला जाए, नहीं तो हम लोग यही मार देंगे, कसम दे के। नहीं भाई, तू शांत रहना, बीच में मत आना। ए बाबा, बाबा हम भाग जाएंगे यहाँ से, हमको देख लेना, ठीक है? ए देशमुख, तूने भी अगर गुस्ताखी किया तो तू भी गया आज, समझा के नहीं, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे हम। ए कहाँ सो हम, कहाँ हाथ लगा रही है हमको, हंसकाए रही है। हाँ तू जानते हम, जब इंसान की मौत आबत है, वो पागल हो जावत है, कभी हसत है कभी रोबत है, तू भी हंस ले, छोड़ेंगे नहीं हम तोरे का, समझ में आया? बता नहीं। हे अगर हम कोई पुलिस से बचना है तोरे को अपने साथ लेके जाना होगा, चल मेरे साथ। ए हंसता बंद करो, चल। ए बीच में नहीं आना, देख बिस्तु। ए हट जा यार, देख देख, कोई भी बीच में आए तो मार देंगे, उड़ा देंगे का, समझा? भाई शांत रहे, शांत रहे भाई। ए बात दीजिए। ए अर्जुताई और मानव जीजू को बताना होगा कि बिस्लू ही सोहम है, वरना पुलिस उसे मार देगी। तोहरे को क्या लगा हमरा इलाके में आके यहाँ की पुलिस से मिली भगत करके हमका पकड़ लेगी? चल यहाँ से। शहरी लोगन सोचना खत्म करते हो ना, वहां से 200 कदम आगे हमारी चलाकी शुरू होबत है। वो तेरा पति और पुलिस वाला यहाँ बाहर तोरे को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं तोरे को, समझी? चल। ये गुंडा अर्चना को लेकर जंगल में क्यों है? कहीं अर्चना को? नहीं, मैं अर्चना को कुछ नहीं होने दूंगा। आई? अर्चु का कोई फोन आया? सोहम की कुछ खबर? नहीं बेटा, वैसे तेजू का फोन आया था, कह रही थी कि वो लोग दरभंगा में, और जैसे ही सोहम के बारे में कुछ पता चलेगा वो हमें बताएगी। सच कहूं, मेरा भी बहुत मन करता है अर्चु से बात करने का, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लेती, क्योंकि मुझे पता है मेरी चिंता देखकर वो और परेशान हो जाएगी। आई। और पता नहीं वहां पर उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। प्रॉब्लम्स तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, एक परेशानी खत्म हुई तो दूसरी शुरू, और ये सब वर्षा की वजह से हुआ। ना ही वो सोहम को लेकर भाग जाती, ना ही उन दोनों की मौत की खबर हमें मिलती, और ना ही मानव अर्चना को छोड़कर कनाडा चला जाता। भगवान वर्षा को कभी माफ नहीं करेंगे, आज उसी की वजह से मेरी अर्चु का परिवार अधूरा। लेकिन अब इतने सालों के बाद जब पता चला कि सोहम जिंदा है तो हम सबकी उम्मीद फिर से जाग गई है। अब अगर अर्चना को सोहम नहीं मिलेगा ना तो मेरी अर्चु टूट जाएगी। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा।
सोहम हमें जरूर मिलेगा, पप्पा है ना, वो हमारी मदद करेंगे। चल, चल, आज हम दोनों पति को भी यहीं मार देंगे, फिर खेल खत्म। ये देख, ये हमारा इलाका है, हमारी इजाजत के बगैर कोई पर इनका पर नहीं मार सकता है यहाँ। चलो मेरे साथ। तुम बच के, तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे कहीं लगे? ये कहाँ लगा रखा है? कहाँ बेटा बेटा? ठीक हो ना अर्चना? मानव ये हमारा सोम है मानव, अपने इसी को गोली मार दी मानव। सोम आके कोल, सोम आके कोल, सोम अपने आके कोल में तेरे आयु, सोम आके कोल, मानव कुछ की कि हमारा सोम मर जाएगा। क्या बात है अभी? तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? पूर्णिमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। एक्चुअली तुम तो जानती हो कि घर में ऐसा कोई है नहीं जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, इसलिए अभी मैं आ गई हूँ ना, तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करती हूँ। आखिर मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ ना। आई नो। देखो पूर्णिमा, तुमने मेरी फैमिली को बहुत तकलीफ दी है और कहीं ना कहीं मैं आज भी तुमसे नाराज हूँ, बट मैं ये सारी बातें सिर्फ तुमसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तेजू या फिर किसी और से भी ये सारी बातें कही ना तो सब कहेंगे कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। आई हैव अ फीलिंग कि कैसी फीलिंग? मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन और पूर्वी के बीच में आज भी कुछ है। ओवी, तुम ये क्या कह रही हो? यू मीन शादी के बाद भी? मैं अर्जुन पे ऐसे ही शक नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वो दोनों आज भी एक दूसरे से बातें करते। एक बार के लिए अगर मैं मान भी लूँ कि जब वर्षा मौसी मॉल में थी तब ये दोनों कोइंसिडेंटली वहाँ पे मिले, लेकिन तुम्हें पता है आज मैंने खुद देखा कि अर्जुन पूर्वी से मिलने उसके घर गया था। अरे वाह, ये हुई ना बात। चल पुनी, लग जा अपने काम पर। इतना बढ़िया मौका सामने से चल के आ रहा है, अब तुझे तो इसका फायदा उठाना ही होगा। ओवी, जो तुम कह रही हो सही कह रही हो, एंड ऑनेस्टली जो तुम सोच रही हो वो भी गलत नहीं है। मुझे भी कई बार ऐसे लगा है कि शायद उन दोनों के बीच अब भी, बट तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करना चाहती, और फिर पूर्वी तो मेरी बहन है, पर मैं पूर्वी की फितरत से वाकिफ हूँ। तुम्हें याद है ना जब मैंने वो MMS वाली बात भी सबके सामने लाने की कोशिश की तो उसने मुझे ही गलत साबित कर दिया और खुद सबकी नजरों में सती सावित्री बन गई, और फिर इस बार भी अर्जुन आत्या को उनका हक दिलाने के बहाने उसने तुम्हारी और अर्जुन की शादी तो करा दी, लेकिन अब देखो शादी के बाद भी वो अपना मकसद पूरा करे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बस चाहती हूँ कि
फिर भी अर्जुन की लाइफ से बहुत दूर चली जाए। पूर्णिमा, विल यू डू मी अ फेवर? हाँ बोलो ना। क्या मेरे लिए तुम पूर्वी पे नजर रखोगी? ऑफ कोर्स ओवी, तुम अगर मुझे ना भी कहती तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर देती। तुम मेरी बहन हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स आए। लेकिन ओवी, तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? हाँ बोलो ना। ओवी, तुम तो जानती हो ना, मूवी की वजह से मेरी जॉब चली गई और पिछले कुछ महीनों से मैं घर पे बैठी हूँ। अगर तुम अर्जुन से बात करके मुझे मेरी पुरानी जॉब वापस कर दो तो। पूर्णिमा, तुम जॉब की बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अर्जुन से बात करूंगी, बस तुम मेरी मदद कर दो। मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूं। मैंने अपने बेटे का खून किया है, प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैं खूनी हूं, प्लीज इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। डेड बॉडी किधर है? पहाड़ी के पास। आप जाकर चौबे ये पिस्टल को जमा करो। चीज इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने अपने बेटे को मारा है इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार कीजिए। ये लीजिए, ये सारे पैसे रखिए आप। लोग बाहर जाने के लिए पैसे देते, मैं आपको अंदर डालने के लिए पैसे दे रहा हूं। मुझे अंदर डालिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इंस्पेक्टर। मुझे मारी, पीटिए मुझे, 30 डिग्री की सजा भी मेरे लिए कम होगी जो मैंने किया है। मारिए मुझे, मैंने इन्हीं हाथों से अपने बेटे को मार दो, इन्हीं हाथों से काट दीजिए, इन हाथों को काट दीजिए। मारिए मुझे, मुझे अंदर डालिए प्लीज इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मुझे अंदर डालिए। चौबे, इनको लॉकअप में डालो। की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, ठीक है ना? मौके वारदात पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी जिम्मेदार हम लेते हैं, समझे ना? अरे लीगल फॉर्मेलिटीज हम बाद में पूरी कर लेंगे, हमको पेशेंट को देख के बताइए कि जिंदा है कि गया काम से। थोड़ा जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब। सांसें तो चल रही है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे है और ब्लड भी बहुत बह गया, इन्हें इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। हां तो चलिए चलिए डॉक्टर साहब।
आज तेरी वजह से, तेरी वजह से मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। 18 साल तक मैंने उसे तुम लोगों से दूर रखा, बचपन से लेकर आज तक खुद की जान से ज्यादा प्यार किया है उससे, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, रात रात भर सो ही नहीं हूं उसके लिए, बीमारी में उसका ख्याल रखा, कभी खरोच तक नहीं आने दी, कितना सुरक्षित था वो मेरे साथ, और आज तुमने, तुमने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। नहीं, नहीं, कैसे किया ऐसे, कैसे किया? भाई तू और चीजू खुद को उसके आई बाबा कहलाते हैं ना, ऐसे होते क्या आई बाबा? हाँ, क्या कोई आई खुद अपने बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दिया? बता, क्या कोई बाप खुद अपने बेटे को गोली मारता है क्या? ऐसे होते आई बाबा? तुम्हें उससे मुझसे छीनना था तो छीन लेते, उसे मौत के मुंह में ढालने की क्या जरूरत थी भाई? जानबूझ के नहीं मारा तेजू, मैं सच के मानव को नहीं पता, वो मेरा बेटा। मत कह उसे मेरा बेटा, मत कह उसे अपना बेटा ताई, तू उसकी माँ नहीं है, नहीं उसकी माँ, उसके माँ बाप कहलाने के तुम दोनों लायक ही नहीं हो। मत कहो उसे। अगर आज हमारे लाला को कुछ हो गया ना तो तुम सबका काट काट कर फेंक देंगे हम, चुन चुन के मारेंगे तुम सबका, एक कभी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। ए बाहुबली है हमारा लाला, हमारे पावर का पता नहीं है तुमका, एक इशारा करेंगे ना तो ही शहर तो का या अस्पताल से नहीं निकल पाओगे तुम लोग। देखिए आप, ए ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, नहीं तो जुबान खींच के हाथ में धर देंगे हम। अरे ओ बल्लन, अपनी जुबान पे लगाम दे, नहीं तो ऐसा हालत करेंगे, ऐसा हालत करेंगे कि सीधा जेल में डाल देंगे, अब 5-6 साल के लिए फरफराता रहेगा सस्ता। एक दोस्त मत दिखा हमका, कर ले जो कर ले।